ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്വന്റി ട്വന്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2020 ട്വന്റി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു ദശാബ്ദം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നമുക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയുടെ ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ജി

स्टाइल वाट ऑफ आम आदमी पार्टी सर वी कोड यू टू एड्रेस द गैदरिंग एक बार जोर से मुठ्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे भरा माता की भरा माता की इन्कलाव, इन्कलाव, वंदे वंदे मंच पे बैठे हुए 2020 के सर्वे सर्वा साबू जी आम आदमी पार्टी के केरला के कन्वीनर सिरिया साहब केरला के हमारे प्रभारी राजा जी आरती जी और केरला के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आई लव यू टू आप सब लोगों को नमस्कार पंजाब से भी आए हुए हैं कुछ लोग सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है मैं हिंदी में बोलूं? ट्रांसलेशन की ज़रूरत तो नहीं है पक्का जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो अपने पड़ोसी से थोड़ा सा पड़ोस में जो बैठा है उससे बात कर ले थैंक यू सो मच मैं आज सोच रहा था जब मैं यहाँ आया था मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मेरे को मलयालम नहीं आती है मैं कैसे बात करूँगा इतने अच्छे लोग हैं तो मैं हिंदी में बात करूँगा जिन जिन दोस्तों को भाइयों बहनों को हिंदी नहीं आती वो अपने पड़ोसी से जिसको आती है उससे थोड़ा सा समझ ले केरला गॉड जोन कंट्री भगवान केरला से बहुत प्यार करते हैं भगवान ने सब कुछ दिया केरला को इतना खूबसूरत केरला इतना खूबसूरत केरला इतना खूबसूरत इतने खूबसूरत लोग सच ब्यूटिफुल पीपल इतने खूबसूरत लोग केरला को दिए भगवान का हमारे ऊपर भी बहुत आशीर्वाद है खासकर मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरी जिंदगी में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे लगता है किसी मैजिक से कम नहीं है किसी जादू से कम नहीं है एक एमएलए बनने के लिए कई लोगों को पूरी जिंदगी घिसना पड़ता है पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है एक एमएलए बनने के लिए आज से दस साल पहले आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था हमने एक पार्टी बनाई और एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई मैजिक है कि नहीं है लोग कहते केजरीवाल ने किया केजरीवाल ने नहीं किया ऊपर वाले ने किया ऊपर वाले ने किया भगवान ने किया ऊपर वाले का करिश्मा है और फिर एक बार सरकार नहीं बनी तीन बार दिल्ली के अंदर सरकार बन गई तीन बार दिल्ली के अंदर सरकार और फिर पंजाब के अंदर सरकार बन गई अब केरला में बनानी है कि नहीं बनानी किस किस को केरला में सरकार बनानी है हाथ खड़े करें उधर से लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हैं, हैं। इसलिए ऊपर वाला हमें साथ दे रहा है इसलिए ऊपर वाले का हमारे को आशीर्वाद है जैसा मैंने कहा मेरी जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए कई बार लगता है कि मैजिक हुआ एक बार जब हम अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार का आंदोलन कर रहे थे पहले अन्ना जी फास्ट पे बैठे फिर मैंने पंद्रह दिन का फास्टिंग किया पंद्रह दिन का अनशन किया फिफ्टीन डेज मैं डायबिटीज का मरीज हूं शुगर की बीमारी है डेली इंसुलिन लेता हूं 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डायबिटीज का मरीज अगर तीन घंटे खाना ना खाए तो उसकी शुगर बहुत गिर जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है तो जब मैंने पंद्रह दिन का अनशन किया तो सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये जिंदा नहीं बचेगा एक डायबिटीज का मरीज इतना लंबा फास्टिंग नहीं कर सकता इसकी शुगर गिर जाएगी ये मर जाएगा पर मैं तो जिंदा खड़ा आप लोगों के सामने ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप में से कितने लोग भगवान पर यकीन रखते हैं जरा हाथ कर कौन कौन भगवान को मानता है भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर अभी दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़े हमारी नई नई पार्टी थी पैसे भी नहीं थे हमारे पास गरीब पार्टी थी गरीब लोग थे कैंडिडेट्स भी नहीं थे दिल्ली में बड़े बड़े फोर टाइम एमएलए फाइव टाइम एमएलए मिनिस्टर्स शीला दीक्षित उस टाइम थी और हमारे कैंडिडेट क्या थे एक शालीमार बाग जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से एक हाउसवाइफ खड़ी हुई उसने फोर टाइम एमएलए को हरा दिया एक स्टूडेंट खड़ा हुआ अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन से उसने फोर टाइम एमएलए को हरा दिया अभी पंजाब में इलेक्शन हुए चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको पता किसने हराया एक मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया ये ऊपर वाले का कमाल है है कि नहीं है ऊपर वाले का कमाल है। एक कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर में एक कंस्टिट्यूएंसी में नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए उधर अकाली दल से मजीठिया मजीठिया बहुत बड़े बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है अकाली दल के बादल साहब के साले साहब लगते हैं मजीठिया उन दोनों को एक कंस्टिट्यूएंसी से एक हमारी छोटी सी कार्यकर्ता ने हरा दिया एक लेडी है जब आप सच्चाई के रस्ते पे चलते हो जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो ऊपर वाला आपका साथ देता है ये इस दुनिया की सारी ताकतें आपका साथ देती हैं। आज देश की राजनीति बहुत खराब हो गई है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इतना करप्शन इतना करप्शन इतना लूट है कि नहीं है गुंडागर्दी चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है हमें राजनीति करनी नहीं आती मुझे साबू साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनको भी राजनीति करनी नहीं आती हमें ये गुंडागर्दी करनी नहीं आती हमें ये करप्शन करना नहीं आता भ्रष्टाचार करना नहीं आता हम लोगों को हम पिछले सात साल से मैं दिल्ली में सरकार चला रहा हूं हम धर्म के हिसाब से सरकार चला रहे हैं पुण्य के हिसाब से सरकार चला रहे हैं भगवान द्वारा दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से सरकार चला रहे हैं हम लोग ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं सबसे पहले हमने दिल्ली में क्या किया हमने करप्शन खत्म कर दिया दिल्ली में पहले दिल्ली में अगर आपको कोई भी काम कराना होता था सरकार से आपको राशन कार्ड बनवाना है आपको बिजली का कनेक्शन लेना है पानी का कनेक्शन लेना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट हर चीज में रिश्वत देनी पड़ती थी देनी पड़ती है यहाँ पे कि नहीं देनी पड़ती है केरला में करप्शन है कि नहीं है दिल्ली में सबसे पहले हमने आम आदमी के करप्शन को खत्म किया अब दिल्ली में आपको सरकार से कोई भी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते आपका काम घर आके सरकार करके जाती है हमने कैसे किया हमने एक टेलीफोन नंबर जारी कर दिया 1076 आप दिल्ली जाएं तो फोन करना उस नंबर पे। अगर आपको सरकार से कोई भी काम कराना है आप उस नंबर पे कॉल करो वहां से आवाज आएगी कि आपको सरकार से क्या काम कराना है मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है आप बोलो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है वो आपको बताएंगे कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ये ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आपको किसी ऑफिसर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट आपके घर आके आपका काम करके जाती है आपका कनेक्शन देके जाती केरला में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमने बड़े लेवल पे भी करप्शन खत्म किया पहले क्या होता था सौ करोड़ का प्रोजेक्ट हजार करोड़ का बनाते थे ऑफिसर्स हजार करोड़ का बनाते थे सारा पैसा खा जाते थे पॉलिटिशियन भी खा जाते थे नेता भी खा जाते थे ऑफिसर भी खा जाते थे अब दिल्ली में ईमानदार सरकार आई हमने एक एक प्रोजेक्ट में पैसा बचाना चालू किया और पैसा बचा के क्या किया दिल्ली में बिजली फ्री कर दी दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली आती है पावर कट नहीं लगते पहले जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले आठ आठ घंटे के पावर कट लगते थे पूरा पूरा बिजली नहीं आती थी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते थे और इतनी महंगी बिजली थी पांच हजार दस हजार रुपए एक आदमी का बिल आता था बिजली का पांच साल में हमने बिजली चौबीस घंटे कर दिया Ooh. दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं जनरेटर तो की दुकानें बंद हो गई हैं इन्वर्टर मिलता नहीं है वहां पे, इन्वर्टर बिकता ही नहीं है जनरेटर बिकता तो ही नहीं है इन्वर्टर बिकता ही इन्वर्टर दुकाने तो दुकाने तो की दुकानें बंद जनरेटर 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए केरला को जिस जिसको फ्री बिजली चाहिए दोनों हाथ खड़े करके बताइए फ्री बिजली चाहिए हो सकता है हो सकता है दिल्ली में करके दिखाया यहां भी हो सकता है एक ही शर्त है ईमानदार सरकार चाहिए दिल्ली में हमने दिल्ली के दो करोड़ लोग हैं हर आदमी के लिए हर औरत के लिए हर बच्चे के लिए चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हर आदमी का सारा इलाज हमने मुफ्त कर दिया आपको अगर बुखार है आपके घर के पास हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने हमने आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया मोहल्ला क्लिनिक में जाइए दवाई लेके आइए दवाई फ्री टेस्ट फ्री डॉक्टर फ्री सब फ्री आपको कैंसर हो गया मान लीजिए आपकी किडनी खराब हो गई किडनी ट्रांसप्लांट कराना है आपको कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है तीस लाख रुपए चालीस लाख रुपए का भी अगर खर्चा आएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार सारा पैसा देती है हर आदमी का हर दिल्ली के हर नागरिक का सारा इलाज सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त है दोस्तों आप सोच के देखो जिन जिन लोगों का एक मैंने देखा है बहुत गरीब लोगों को अगर गरीब के घर में तो छोड़ो मिडिल क्लास के घर में भी अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए भगवान ना करे किसी को बीमारी हो हार्ट की बीमारी हो जाए ब्रेन की बीमारी हो जाए कैंसर हो जाए आज प्राइवेट अस्पतालों में इतना महंगा हो गया इलाज की जमीन बिक जाती है सारी सेविंग्स बिक जाती है सारी ज्वेलरी बिक जाती है होता है कि नहीं होता है जिन लोगों का हमने इलाज कराया डेली दिल्ली के अंदर इतने लोग अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं कितनी दुआएं देते हैं वो लोग हमें कितना आशीर्वाद देते हैं हमें यही तो भगवान की सच्ची पूजा है है कि नहीं है यही तो भगवान की सच्ची पूजा है यही तो धर्म है सात साल में मैंने कुछ नहीं कमाया लोगों की दुआएं कमाई है बहुत कमाई है लोगों को बहुत दुआ देते हैं लोग बहुत दुआ देते हैं लोग और उन्हीं की वजह से आज पूरे देश के अंदर दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत खराब थे 16 लाख बच्चे 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं इतने खराब स्कूल दीवारें टूटी हुई थी छत टूटी हुई थी डेस्क नहीं थे टीचर आते नहीं थे बच्चे भी आते थे घंटे में घर भाग जाते थे टॉयलेट्स नहीं थे पीने का पानी नहीं था इतना बुरा हाल था 16 लाख बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब था एक मजदूर का बच्चा रिक्शे वाले का बच्चा ये लोग भेजते हैं अपने बच्चों को सरकारी उनका भविष्य यही था मजदूर का बच्चा मजदूर बनेगा रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शे वाला बनेगा पाँच साल में आके हमने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया बहुत अच्छे स्कूल हो गए हैं सरकारी स्कूल अगर मैं सरकारी स्कूलों की तारीफ करूंगा आपको लगेगा कि अपने स्कूल की तारीफ कर रहा है इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स 99.7 परसेंट आए हैं भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं इस साल चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के सरकारी स्कूल में कराए आप सोच के देखो ये सोलह लाख बच्चे और इन सोलह लाख बच्चों के मां बाप हमें कितनी दुआएं देते हैं यही तो असली भगवान का काम है, है कि नहीं है यही असली भगवान की पूजा है और क्या होता है दूसरों की सेवा करना जब से हमारी सरकार बनी है हम केवल और केवल धर्म के अनुरूप पुण्य कमा रहे हैं धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं आज मैं ये देख रहा था दिल्ली में आज अगर एक गरीब आदमी मिनिमम वेजेस दिल्ली में पंद्रह हजार रुपए के करीब है एक गरीब आदमी को जिसको मिनिमम वेज मिलते हैं पंद्रह हजार रुपए वो बड़े आराम से गुजारा कर लेता है उसके बच्चों की स्कूलिंग फ्री है घर में सारा इलाज फ्री है सरकार उसको मुफ्त राशन देती है उसका ट्रांसपोर्ट फ्री है महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री है बिजली फ्री है पानी फ्री है और ये मुश्किल नहीं है ये केवल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर आज एक ईमानदार सरकार है मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है मुझे लगता है हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं बाहर जाते हैं विदेशों में जाते हैं हम सुनते हैं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लीजिए टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनते हैं कैसे लोग अपने स्पेयर टाइम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई किसी की मदद कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है इन सारे 130 करोड़ लोगों को जोड़ के हमें अब एक अलायंस बनाना है इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना हमें राजनीति करनी नहीं आती हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता हमें दंगे करने नहीं आते अगर आपको राजनीति चाहिए इनके पास चले जाओ अगर आपको दंगे चाहिए इनके पास चले जाओ अगर आपको भ्रष्टाचार करप्शन चाहिए इनके पास चले जाओ अगर आपको तरक्की चाहिए स्कूल चाहिए हॉस्पिटल चाहिए तो आप हमारे पास आ जाओ आज इतनी बेरोजगारी है इतनी बेरोजगारी है चारों तरफ दिल्ली में पिछले पांच साल में हमने बारह लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं बारह लाख बच्चों को 1.2 मिलियन दी जा सकती है पॉसिबल है मैंने सुना अभी साबू जी बोल रहे थे यहां पे 40 लाख बच्चे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयड है ये दूसरी पार्टी वाले आपके बच्चों को कभी नौकरी नहीं देंगे ये आपके बच्चों को कभी शिक्षा नहीं देंगे क्यों इनको अपनी पार्टी में दंगे कराने के लिए लफंगई कराने के लिए लोग चाहिए ये दूसरी पार्टी वाले आपके बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे कभी अच्छी नौकरी नहीं देंगे क्योंकि इनको दंगे कराने हैं लफंगई करानी है, है गुंडागर्दी करनी है हम लोग शरीफ लोग हैं हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है, करनी भी नहीं आती है, हमें करनी भी नहीं है मैंने साबू साहब के बारे में काफी सुना था पहले बहुत बड़े उद्योगपति हैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक पंचायत के अंदर आके काम कराने की क्या जरूरत थी है कि नहीं है, है कि नहीं है इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आज हमारे देश में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कोई कहता है मैं नंबर वन बन गया कोई कहता है अब दुनिया का नंबर फाइव में आ गया कोई होड़ लगी हुई है हवस लगी हुई है उन लोगों को ये एक ऐसा शख्स है जो बिजनेसमैन होते हुए कहता है मैं पंचायत की सड़क बनवाऊंगा वो कहता है मैं गरीबों को उनके घर दूंगा आज मैं गया इनका काम देखने के लिए अभी तक तो सुना था मैं अभी वहीं से आ रहा हूं इनका काम देख के आ रहा हूं ये लोगों को सस्ता सामान देते हैं महंगाई से बचाते हैं उस पंचायत की इन्होंने सड़कें इतनी अच्छी कर दी स्कूल अच्छा कर दिया पहले उस पंचायत पे 36 लाख रुपए का घाटा था आज उस पंचायत के 14 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में कमाल है कमाल है इनको भी राजनीति करनी नहीं आती ये भी धर्म का काम कर रहे हैं ये जितना काम कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं पुण्य का, का काम कर रहे हैं ऊपर वाले का, का काम कर रहे हैं इज डूइंग गॉड्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैं बहुत इंप्रेस हुआ इनका काम देख के और जैसे मैंने कहा हमारा तो मकसद है इस देश के सारे अच्छे लोगों को जोड़ना तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी और 2020 पार्टी का केरला के अंदर गठबंधन होने जा रहा है अब हम सब लोगों को मिलके केरला को बदलना है पहले दिल्ली को बदला फिर पंजाब के लोगों ने मौका दिया अब केरला बदलना है कि नहीं बदलना थैंक यू सो मच എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ കേരളത്തിൽ വരാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നാടാണ് അതുപോലെ ദൈവം എന്നോടും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോടും പ്രത്യേകമാം വിധം കരുണ കാട്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ അസാധാരണവും അവിശ്വസനീയവുമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില നേതാക്കൾ ഒരു എം എൽ എ ആകണമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും എന്നാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിച്ചു ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലും സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രമേഹ രോഗി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റൻഷൻ കറപ്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ കാലത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ നിരാഹാര അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പണവും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവരും വിജയിച്ചവരും സാധാരണക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹികളും അധികാരക്കൊതിയുള്ളവരും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധതയോടുകൂടിയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉള്ളതും ഉയരത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ നാൽപ്പത്തി ദിവസം മാത്രമാണ് നിലനിന്നത് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞങ്ങൾ രാജിവെച്ചു ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അനുദിനം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും കുറ്റവാളികളുമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഏർപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും ഗുണ്ടകളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു അവർ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ഈ പാർട്ടികളും അവരുടെ നേതാക്കളും പൗരന്മാർക്ക് ഭാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ദൈവഹിതം പിന്തുടരുന്നത് പോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അധികാരത്തിൽ വന്നയുടൻ ഞങ്ങൾ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കി മുമ്പ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനായി ധാരാളം പണം ലാഭിച്ചു മുമ്പ് നൂറ് കോടിയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് സർക്കാർ ആയിരം കോടിയുടെ ടെൻഡർ നൽകിയിരുന്നു ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാക്കിയും പദ്ധതികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയും ഞങ്ങൾ ധാരാളം പണം ലാഭിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൗജന്യ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ തികച്ചും പൂജ്യം രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലാണ് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസവും ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സേവനവും നൽകി ജനങ്ങൾക്കായി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളും ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം വേദന ലഭിക്കുന്ന ദരിദ്രരിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രർക്ക് ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകും ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതുപോലെ സാബുജിയും ട്വന്റി ട്വൻറ്റിയും ചെയ്യുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നെ വളരെയധികം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ പണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുന്നു അഴിമതിയില്ല സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അഴിമതി രഹിത പാർട്ടിയുടെ വാർഷിക ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളാണ് സത്യസന്ധരും സൗമ്യരും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് പക്ഷത്തായിരിക്കണമെന്ന് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടമയാണ് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കലാപങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ മറ്റു കക്ഷികൾക്കൊപ്പം പോകാം നിങ്ങൾക്ക് വികസനവും ജീവിത നിലവാരവും വേണമെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും ട്വന്റി ട്വന്റി പാർട്ടിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ നല്ലവരാണ് നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിക്കായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി പൗരന്മാരുടെ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഏവരെയും അതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഹീസ്

അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ കൺവീനർ ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സാറിനെയും ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സാബു എം ജേക്കബ് സാറിനെയും വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഐ വെൽക്കം ബോത്ത് ഓഫ് യു ടു ദേജ് हेलो आज मैं समझता हूं कि केरला के लिए एक बहुत सुनहरी दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब आम आदमी पार्टी और 2020 पार्टी का अलायंस होने जा रहा है ये अलायंस आम आदमी पार्टी और 2020 पार्टी का नहीं है यह अलायंस केरला के चार करोड़ लोगों का अलायंस है हमें चार करोड़ लोगों को के साथ मिलकर एक नया केरला बनाना है जैसे दिल्ली को बदला पंजाब के लोगों ने मौका दिया वैसे ही अब केरला को भी बदलना है तो केरला में अब चार पॉलिटिकल अलायंस होंगे एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीए और हमारे अलायंस का नाम होगा पीपल्स वेलफेयर अलायंस